करने में बिताया। उस वर्तराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम्हें वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। बांध की तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँचे? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमबान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह वर प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, आप इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी। पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिखवावे और शंख मेरी मृदंगम बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर इस तरह तरह से मंगलाचार करते हैं। उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नवेद आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएँ गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जिंबिरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल फल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद रूप उपाधि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, शिव रूपे ने, हे मंगले, हे अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे शिवायनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती शिव जी की पूजा करें। ददंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ स्वर्ण आदि दे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत ना कर अन्नभक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। यह सदा दरिद्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी तथा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बदरिया, पानी पीने से जो, दूध पीने से सापी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी
व्रत अभ्यास करें। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी तंबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत